तालियां बजती रहे जब तक सरिया पहुंचे। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सबको मेरा प्रणाम। आपके चेहरे की खुशी मैं देख सकता हूँ और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से साफ जाहिर है कि आज का दिन आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप लोग कितने खुश हैं। दिल्ली सरकार, हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी है 2015 से, 7 साल हो गए। 7 साल में हमने ढेर सारे काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली पानी, कई क्षेत्रों के अंदर हमने काम किए और वो सारे काम आज देश में भी चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है, दुनिया में भी चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है। और मैं समझता हूँ कि आज ये जो काम होने जा रहा है, ये भी मैं समझता हूँ कि शायद मुझे बताया गया कि दिल्ली सरकार में तो आज तक जब से दिल्ली सरकार बनी है, इतने बड़े स्तर के ऊपर कच्चे कर्मचारियों को पक्का आज तक कभी नहीं किया गया। ये पहली बार हो रहा है दिल्ली सरकार के अंदर। और शायद देश के अंदर भी अभी आजकल सारी की सारी हवा, सारे का सारा आबा पूरा उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है कि पक्के कर्मचारियों को कम करते जाओ और कच्चे कर्मचारियों को बढ़ाते जाओ। जैसे जब हमारी सरकार बनी थी तो उस टाइम सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत होती थी और पूरे देश में ये माहौल था कि सरकारी स्कूल अब बंद करो, उनको प्राइवेटाइज कर दो, प्राइवेट कंपनियों को दे दो, कॉरपोरेट्स को दे दो, वो चलाएंगे। सरकार स्कूल नहीं चला सकती, प्राइवेट अस्पताल बंद करो, सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट वालों को दे दो, सरकार अस्पताल नहीं चला सकती। हमने आके साबित कर दिया भाई, सरकार अगर चाहे और सरकार अगर ईमानदार हो तो सरकार स्कूल भी चला सकती है, अस्पताल भी चला सकती है। और जो सरकार स्कूल और अस्पताल ना चला पाए, फिर उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर वो सरकार रहने लायक नहीं है। तो आज हम ये भी देख रहे हैं, एक माहौल ये भी बनाया गया था पूरे देश के अंदर कि भाई कर्मचारियों को अगर पक्का कर दो तो वो काम नहीं करते, फिर वो आलसी हो जाते हैं, वो फिर काम से मन चुराते हैं। एक ये माहौल बनाते हैं ना भाई, पक्का कच्चे को पक्का नहीं करना चाहिए, पक्का कर दिया तो काम नहीं करेंगे, कच्चे के ऊपर तो तलवार लटकती रहती है। दिल्ली में हमने स्कूल अच्छे करे, दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति आई। दिल्ली के जो शिक्षा क्रांति आई तो दिल्ली के अंदर जो भी हमने शिक्षा के क्षेत्र में करा, वो हमने थोड़ी करा, वो तो इन टीचरों ने ही करा, जो सरकारी टीचर थे, जो सरकारी हेडमास्टर थे, जो सरकारी प्रिंसिपल थे, इन्होंने ही करा। ये तो सारे सरकारी हैं, इन्होंने ही कमाल करके दिखाया। सरकारी क्षेत्र में जो अस्पतालों में हमने इतना अच्छा काम करा, इतने शानदार अस्पताल हो गए अपने, ये तो सारे इन सरकारी डॉक्टरों ने ही करा, सरकारी नर्सों ने ही करा। तो ये कहना कि भाई सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा झूठ है जो फैलाया जाता है। अगर हम सरकारी कर्मचारियों के साथ अच्छे से उनकी समस्याओं को दूर करेंगे, सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलके काम करेंगे, तो सरकारी कर्मचारी जितना काम करते हैं उससे ज़्यादा काम मेरे को नहीं लगता कोई भी करता है प्राइवेट सेक्टर में। मैं तो प्राइवेट में भी मैंने काम किया है, सरकार में भी मैंने काम किया है। मेरे हिसाब से जिस तरह से कोरोना के टाइम में मैं देखता था, ये हमारे सत्यगोपाल जी भी बैठे हैं, उदित जी भी बैठे हैं, ये 24-24 घंटे ये लगे रहते थे, 24-24 घंटे काम। मैंने तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसे काम करते नहीं देखा किसी को। ये मिथ भी अपने को तोड़ना है। आज आप 700 कर्मचारी पक्के हो रहे हो और मैं पूरी दुनिया के सामने कह रहा हूँ कि ये 700 कर्मचारी अभी तक जब तक कच्चे थे उस टाइम जितना काम करते थे, अब उससे दुगना काम करेंगे जब ये पक्के हो गए, क्योंकि अब इनको एक तरह से सिक्योरिटी आ गई, ये खुश हैं, दिल से काम करेंगे अब ये। नहीं तो एक मन में रहता था यार पता नहीं मेरा क्या होगा, आदमी 10 बार तो ये सोचता कहीं और ही कर लूँ, कोई और अच्छी जगह मिल जाए। अब एक बार ही पक्के हो गए तो कहीं इधर उधर तो हाथ पैर नहीं मारेगा, अब यहीं मन लगा के काम करेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग पक्के हो रहे हैं और मेरी तो
मंशा है कि दिल्ली सरकार के सभी विभागों के अंदर जितने कर्मचारी हैं सबको पक्का होना चाहिए, लेकिन आप लोग जानते हो दिल्ली सरकार की पावर बहुत कम है। दिल्ली सरकार की हमारी बहुत सारी पावर नहीं है, केंद्र सरकार के पास दिल्ली के बारे में बहुत सारी पावर है। आप लोगों को हम कर पाए क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है, वहाँ पे जल बोर्ड सारे निर्णय लेता है, बोर्ड सारे निर्णय लेता है, केंद्र सरकार का उसमें कोई दखलअंदाजी नहीं होती। तो आप लोगों को कर पाए, पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी केंद्र सरकार से जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हम बात करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि अन्य विभागों के अंदर भी एक तरह से एक बड़ी बड़ा काम आज शुरू हुआ है कि सरकार, दिल्ली सरकार जो है ना केवल जनता का ख्याल रखती है, अपने कर्मचारियों का भी ख्याल रखती है, हमारे साथ काम करने वालों का भी ख्याल रखती है। तो जल बोर्ड से आज बहुत बड़ा काम शुरू हुआ है, इसकी गूंज पूरे देश के अंदर जाएगी, पूरे देश के अंदर भी अब मांग उठे, भाई दिल्ली के अंदर हो सकते हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकते, दूसरे राज्यों में क्यों नहीं हो सकते, वो भी कहेंगे, और दूसरी सरकारों को भी करना पड़ेगा, और ये मिथ भी तोड़ना पड़ेगा भाई कच्चे कर्मचारी पक्के कर दो तो वो काम नहीं करते, काम करके दिखाना, और उन लोगों के मुंह बंद कर देना जो ये बात कहते हैं कि पक्के कर्मचारी काम नहीं करते। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके परिवार के सब लोग भी खुश होंगे और आप फलें फूलें खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, खूब बरकत हो आपके परिवार में। बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां बजती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय इन लाइनों से बड़े प्रेरित हैं और हमेशा कुछ बेहतर और बड़ा करना चाहते हैं। दुष्यंत जी की ये पंक्तियां कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने से नहीं तेरे सीने से सही आग हो लेकिन कहीं भी आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। एक बार जोरदार ताली। वो क्षण जो सबके लिए प्रेरणा का है, दिल्ली अपने 700 ऐसे कर्मचारियों को आज रेगुलराइज कर रही, मंत्री महोदय ने जिक्र किया, तो अब और आप वहां मंच पर आकर अपना सर्टिफिकेट ग्रहण करें। आदरणीय मंचस्थ सभी मुख्य अतिथि अतिथि और अन्य सभी अतिथि श्रृंखला के साथियों से पहले इतिहास बनते श्री विजय कुमार फील्ड असिस्टेंट मैटर ऑफ चांस है, सिर्फ पहला श्रीमती बिमला रानी तेजी से मंच पर आए। श्रीमती बिमला रानी पियन कम मीटर रीडर, श्रीमती पूनम देवी फील्ड असिस्टेंट, अगला नाम श्री हंस राज एलडीसी जी एलडीसी के तौर पर नियुक्त हो रहे हैं, अगला नाम रोहित कुमार सोनार, उसके श्री राम नरेश यादव रहे।
ईशा चौहान। शैलेंद्र